नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है भारत का खाना रिटर्न्स। काफी सारी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बैगन के भरते की रेसिपी डालिए। मेरे चैनल में ये रेसिपी नहीं थी और कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एकदम इजी और सरल तरीके से बन जाने वाली रेसिपी बताए जो हम बैगन के भरते की बना सके अपने घर पे। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बैगन के भरते की रेसिपी जो हम एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, एकदम फटाफट झटपट तरीके से जो बन जाती है अपने घर पे। और इसको बनाना इतना आसान है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने लिए हैं 2 बैगन, ये बड़े साइज के हैं और उनको हमने गैस पे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अगर आपके घर में चूल्हा है तो उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हैं। साबुत बैगन हमने उसके अंदर डाल दिए थे। बैगन लेते समय आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई छेद ना हो, बोले तो उसके अंदर कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि जो कीड़ा होता है वो छेद कर देता है बैगन के अंदर। आप देख ले, जब भी आप बैगन को ले मार्केट में उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसके अंदर कोई छेद नहीं होना चाहिए। और फिर उन बैगन को लाके आप अच्छे से घर पे धोइए और फिर उसको आप गैस पे, चूल्हे पे, ओवन में किसी भी तरीके से इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट हमें इतना करना है जैसे ये सॉफ्ट हो सके। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया और अंदर तक ये अच्छे से पक गया है। और उसको आप खोलकर एक एक तरीके से इस तरह से खोलकर आप देख लीजिए, इसके अंदर कोई कीड़ा या फिर कोई गिनाड़ जो होती है वो ना हो, जिसको कई लोग कातर भी बोलते हैं। इस तरह से आप चेक कर लीजिए खोलकर। मैंने इसको पूरा अच्छे से खोल के चेक कर लिया है और इसके अंदर जो ये लिक्विड निकलता है इसको आप फेंके ना, इस लिक्विड के अंदर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपका बैगन पूरा अच्छे से साफ है, बोले तो इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है, तो आप इसको अच्छे से पका सकते हैं। और कई लोग बैगन का भरता बनाते समय ये जो डंडी होती है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसको इस तरह से चॉप कर लेते हैं, इस तरह से आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। जब भी बैगन का भरता बन जाता है तो इस डंडी को भी डाल देते हैं और कई लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं। मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ पर कई लोगों को देखा है वो लोग इस डंडी का भी इस्तेमाल करते हैं बैगन के भरते में, ऊपर बनने के बाद डाल देते हैं। और हमने लिया है प्याज, ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बोले तो 1 टमाटर के 4 भाग भी कर सकते हैं, ऐसे आप प्याज में भी कर सकते हैं। बट उसमें जो टाइम है थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा होगा, और बारीक काट लेंगे या रफली चॉप कर लेंगे तो फटाफट हमारा जो भरता है फटाफट बन जाएगा। और हमने लिया है 1 लहसुन, हमने 1 बड़ी पोथी जो होती है वो लहसुन की हमने पूरी ली है और उसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। अब ये मेन बात है, कई लोग सोचेंगे हमने लहसुन इतना ज़्यादा क्यों लिया है। हमने लहसुन इसलिए ज़्यादा लिया है, जैसे बैगन जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो पेट में जाके बाधी करते, बोले तो गैस बनाते हैं। अगर हम लहसुन का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारे पेट के अंदर जो गैस होती है वो आसानी से निकल भी जाएगी और उसका जो स्वाद आता है लहसुन का भरते के साथ वो लाजवाब होता है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें थोड़ा हायर क्वान्टिटी में। और हमने लिया है 1 हरी मिर्च, काफ़ी लंबी वाली हरी मिर्च थी, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपको तीखी पसंद है तो आप मिर्ची का जो तीखापन है अपने भरते में थोड़ा हायर साइड ले सकते हैं, बोलो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और हमने लिया है अदरक, ये है अदरक का पाउडर जिसको जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, कई लोग उसको सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हमने लिया है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आपके पास कच्ची अदरक है तो आप उस अदरक को 1 इंच को कद्दूकस कर ले। अदरक से हमारे भरते में जो स्वाद होता है वो एकदम निकल कर आएगा। अदरक जो है एक जड़ी बूटी है, एक तरीके से बोला जाए इससे हमारे शरीर में बाधी नहीं होगी। अदरक का उपयोग आप जरूर करें। जीरा, ये है 1/2 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर, ये हमने लिया है 1/2 छोटी चम्मच। हल्दी, ये है 1/2 छोटी चम्मच। कई लोग बैगन के भरते में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट मैं हल्दी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि किसी भी फॉर्म में हल्दी हमारे शरीर में जाए तो क्या बेकार है। 4 चम्मच धनिया पाउडर। नमक, ये हमने लिया है 2 चम्मच। आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम बैगन के भरते की रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, 2 बड़े चमचे हमने ऑयल डाल दिया है जैसे हमारे जो बैगन का भरता है वो अच्छे से बन सके। अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अपना प्याज। अब इसको हम तेल में अच्छे से टॉस कर लेंगे और फ्लेम हमने मीडियम और लो के बीच में कर रखी है। और प्याज हमें ट्रांसपेरेंट करनी है, इससे हमारे भरते में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन भी हो जाए तो चलेगा, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाए वैसे ही हम इसके अंदर मसाले डालने लगेंगे। बट उससे पहले हम इसके अंदर लहसुन को डालेंगे। अब प्याज पकते हुए 102 मिनट हो गया, अब इसके अंदर हम लहसुन को डालेंगे। अब इसको भी हम ऑयल में अच्छे से टॉस कर लेंगे। और हमें जो लहसुन है उसको भी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो भी चलेगा, बस इसका कच्चापन निकल जाए सब्ज़ी में से, बस वही हमें चाहिए। और इसके जो छोटे छोटे वाइट पीस आते हैं बढ़ते में बहुत देखने में अच्छे भी लगते हैं और उसका जो ब्लास्ट होता है मुँह में लहसुन के टेस्ट का वो भी काफ़ी अच्छा लगता है।
और वैसे भी लहसुन के काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। अब देखिए जो प्याज है हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है, इसका जो कच्चापन है वो निकल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर को और टमाटर डालते ही ऊपर से हम डाल देंगे नमक, जैसे हमारे जो मसाले हैं प्याज और टमाटर के वो फटाफट से जो सब्जी है हमारी वो अच्छे से कुक्ड हो सके। अब इसको भी हम आपस में अच्छे से टॉस कर लेते हैं। अब फ्लेम हमने मीडियम और हाई के बीच में कर दिए जैसे ये अच्छे से हो सके। अगर आप चाहे तो इस टाइम इसको ढक भी सकते हैं। अब देखिए हमारे जो टमाटर अच्छे से घुल मिल गए हैं इसके अंदर, बोले तो अच्छे से डिजॉल्व हो गए हैं, और इसको हमने 5-10 मिनट तक इसको ढक कर हमने छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, ये आपको ज़्यादा लग रही होगी बट ये कम तीखी वाली है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। इसको हम टॉस कर लेंगे और हमारा जो भरता है एकदम देसी स्टाइल में बना है, बोले तो एकदम चटपटा। और आप देख सकते हैं इसमें लहसुन की जो पीस है छोटे छोटे जो दिख रहे हैं एकदम लाजवाब लग रहे हैं, और खाते समय एकदम मस्त ब्लास्ट देंगे लहसुन का, बोले तो गार्लिक टेस्ट का। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक एक करके सारे मसाले, इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं क्योंकि इसने थोड़ा सा ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा इसको हम टॉस कर लेते हैं, बोले तो रोस्ट कर लेते हैं ऑयल के अंदर ही, आपको दिख नहीं रहा होगा पर इसने ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया। उस ऑयल में भी अब देखिए जो हमारा जीरा है वो अच्छे से होने लगा है। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, अदरक का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अगर आप हल्दी को स्किप करना चाहते हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं हल्दी का इस्तेमाल करता हूँ भरते में तो इसलिए मैं हल्दी डाल रहा हूँ। हल्दी से एक अच्छा कलर भी आएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और नमक हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब इसको हम इसमें टॉस कर लेते हैं और कई लोग सोच रहे होंगे मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में स्टील स्पून यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले बताता हूँ, भर भर के कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई में स्टील स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ ये हार्ड एनोडाइज है, ये स्टील स्पून फ्रेंडली है तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हर एक चीज़ चिपकती नहीं, इसमें भी चिपकती है, नॉनस्टिक नहीं है ये, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। बोलो तो गैस का हमें इस्तेमाल तो हमें गैस का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना होता है, जैसे नीचे कोई चीज़ इसमें चिपके नहीं। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो रहे थे तभी हमने भरते को अच्छे से इस चक्कू की मदद से ऐसे ऐसे इस तरह को काट लिया था चेक करने के बाद कि इसके अंदर कोई हमें कीड़ा तो नहीं है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से काट लिया था और जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हम उसको पहले ही काट के रख लेंगे बैगन को। अब इस मसाले को हम अच्छे से पकने देते हैं। हमें इसे तब तक पकने देना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दें। अब देखिए हमारा जो मसाला है एकदम बन के तैयार हो चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसने जो ऑयल है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए एकदम मस्त कलर आया हमारे इस मसाले में, ये देखिए एकदम मस्त। अब इसके अंदर हम डालेंगे बैगन को जो हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। चक्कू की मदद से आप उसको मैश कर सकते हैं या फिर आपके पास मैशर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो चम्मच की मदद से भी इसको ऐसे आप गोंच सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर बैगन को डालते हैं, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर बैगन, और इसका जितना भी लिक्विड है हम वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। सारा लिक्विड हमने इसके अंदर डाल दिया है, और लास्ट में बचा इसके जो डंडल है उसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और उसको भी हम मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। जिसको भी पसंद है वो इसका इस्तेमाल करें, जिसको नहीं पसंद है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है इसका इस्तेमाल करते हुए इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इनको आपस में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम हमने लो और मीडियम के बीच में कर रखी है। अब इसको अच्छे से हम टॉस कर लेते हैं मसाले के साथ, इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जैसे सारा जो भरता है मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर छोटा सा भी आपको ये दिखता है ना, इसको भी हमें अच्छे से ऐसे मैश कर देना है मसाले के साथ। और भरता बोले तो हमारा ऐसा होना चाहिए एकदम सॉफ्ट, खाते समय बीच में कोई भी मोटा लंप नहीं आना चाहिए बैगन का, तभी मज़ा आता है बैगन के भरते का। अब इसको हम लो फ्लेम पे 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए ये छोटा छोटा है ना ये पीस, ये भी इसको हम इस तरह से मैश कर देंगे, कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके अंदर, एकदम मस्त लगना चाहिए भरता। और हम बना रहे हैं एकदम देसी स्टाइल में जैसे ढाबे में मिलता है। अब हम इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमारे जो है 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और एकदम ये सॉफ्ट होता जा रहा है, और
इसके अंदर आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए ये भरता बनाते समय, आप इस बात का ध्यान रखिए। कई लोगों को मैंने आधा आधा घंटे तक इसको लो फ्लेम में पकाते हुए देखा है, और कई लोग इसको हाई फ्लेम में भी जल्दी जल्दी पका लेते हैं, बट इसके अंदर चाहिए पेशेंस। जितना आप इसमें टाइम देंगे लो फ्लेम में इसको पकाने में, उतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगा और एकदम मज़ेदार बनेगा। जब ये ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा तो आप समझ जाएंगे, तो आपका भरता जो है पक चुका है, बोले तो बन चुका है स्वादिष्ट। हमारे जो 10 मिनट है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो भरते ने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए पूरे पैन में साइड साइड से हर जगह से इसने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको देने वाला हूँ ढाबे में बनने वाली सर्विंग टिप का स्टाइल, बोले तो वो किस तरह से सर्व करते हैं जब उनके पास कस्टमर आते हैं। तो हम इसको सर्वते हैं साइड में। अब हम लेते हैं छोटा सा फ्राई पैन, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, छोटा सा पैन लेंगे। हमने ऑलरेडी जैसा बताया था हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 2-4 चम्मच टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम गर्म होने देंगे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप ये स्टाइल तभी अपनाएं जब आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो। अगर आप नॉर्मल डेज में भरता बना रहे हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, पर थोड़ा सा डेकोरेशन बनती है जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो इसलिए हम इस तड़के का इस्तेमाल करेंगे जैसे ढाबे वाला करते हैं। अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, हम इसको कर देंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर 2-4 मिर्च इस तरह से काट के इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। गैस हमने ऑफ कर रखी है और ऊपर से हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम टॉस कर लेंगे। अब इसको हम उतार लेते हैं गैस से। जो बैगन का भरता है वो अच्छे से बन के तैयार हो चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया, आपको शाइनिंग में दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे इसका ढाबे स्टाइल वाला तड़का, और तड़का डालने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लीजिए हमारा तड़का डल चुका है और भरता भी बन के रेडी हो चुका है। आप इसको एंजॉय कीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। पराठे के साथ तो बस कहने ही क्या। तो आप भी इस भरते को अपने घर में बनाइए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कीजिए। आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए, मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।